हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5:8। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। हमें हर एक इन एंगलों का की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो फिर से इसके अंदर इस्तेमाल होगा वो होगा एक चीज़, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब चारों एंगलों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जो नेक्स्ट जो थिंग जो आप यहाँ देखेंगे वो ये है कि सबकी रेशियो दी हुई है, यानी कुछ ना कुछ इसमें कटा हुआ है, ये लोएस्ट फॉर्म में है तो कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और वो एक वैल्यू होगी, एक वेरिएबल होगा जो हम लेंगे एक्स। तो वो जो रेशियो ये है ये बन जाएगी 2x 3x 5x 8x, ये एंगल्स हो जाएंगे एंगल्स। और फिर हम एक्स के रूप में हमें मिल जाएगी एक लीनियर इक्वेशन और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे, लेट अस डू। Let the four angles are 2x, 3x, 5x and 8x। तो हमने साथ सब में x ले लिया, चारों एंगल जो है वो 2x, 3x, 5x and 8x सब में हमने x मल्टीप्लाई कर दिया। तो कभी भी ऐसे रेशियो मिले तो आपको ये करना है, क्लियर है। आगे भी आएंगे ऐसे सम्स तो आप देखेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या फिर आप लिख सकते हैं बिकॉज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है, क्लियर है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। सबको प्लस करेंगे मतलब चारों को प्लस करेंगे एंगलों को, 2x प्लस में 3x प्लस में 5x प्लस में 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री। डिग्री नहीं लिखेंगे, बाद में कर लेंगे। तो सारी की सारी ये जो है ये लाइक टर्म्स है, सब में x आ रहा है तो इसलिए हम इसको एडिशन कर सकते हैं। 2 + 3 5 + 5 हुआ 10 + 8 = 18x इज इक्वल टू हुआ 360 डिग्री। अब क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे और क्या, जो 18 है ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ और फिर उसका क्या होगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा। 360 डिग्री डिवाइड में 18 इजिकल टू, अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 18 × 2 = 30, 6 होता है और फिर 0 की 0 आ गई। तो 360 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 20, राइट। तो x की वैल्यू आई 20। अब आपको निकालना है, इतना ही आपका काम नहीं हो गया, ना उन्होंने x की वैल्यू पूछी है और ना ही उन्होंने ऐसा ही कुछ जो आपने बस x 20 कर दिया, x को ही उन्होंने दिया था, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। उन्होंने पूछा जो उसका ही जवाब दीजिए, उन्होंने पूछा फोर एंगल्स, चारों एंगल्स बताइए, तो आप यही लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिए नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं फिर इस चीज़ के। हेंस द फोर एंगल्स आर 2 × x की वैल्यू पुट कर देंगे 20 = 40, फिर है 3x,
थ्री एक्स था ना, थ्री मल्टीप्लाई में 20, यहाँ पर भी यही चीज़ कर देते हैं, 2x इक्वल टू डन, थ्री मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60, फोर्थ एंगल 5x है, 5x इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 100, और जो फोर्थ एंगल है वो है 8x, 8 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 160 डिग्री। ये सारे के सारे जो है आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर अब आप इसकी वैल्यू जो मतलब डिग्री है वो लगा दीजिए, डन। ये हुआ आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना था, सबके अंदर ये एक्स लगा लिया सभी रेशियो के अंदर, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही अच्छे से समझते रहिए। ओके बाय।